प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के दहिसर रेलवे स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने वाला युवक लोकल ट्रेन से नीचे गिर गया। लोकल ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जाने से ये युवक इसलिए बच गया क्योंकि रेलवे पुलिस का एक कर्मचारी योगेश हीरमठ वहां मौजूद था और उसने उस युवक को बाहर खींच लिया। ये सीसीटीवी फुटेज दहिसर रेलवे स्टेशन की है, जहां रेलवे स्टेशन से बोरेवली की तरफ लोकल ट्रेन जाने लगी, तभी दौड़कर एक यात्री चढ़ने की कोशिश करता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और चलती लोकल ट्रेन से नीचे गिर जाता है। इसी तरह की दहिसर रेलवे स्टेशन पर कुछ दिन पहले एक और घटना सामने आई थी और अब ये दूसरी घटना सामने आई है। देखिए किस तरह से लोकल ट्रेन से नीचे गिरे युवक को इस रेलवे पुलिस ने बचा लिया। वहीं दूसरी खबर मुंबई के मलाड इलाके से, जहां मुंबई के मलाड इलाके में रोड पर खड़ी एक बस में सोमवार 4 जनवरी को अचानक आग लग गई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका और न ही किसी के आहत होने की खबर सामने आई है। बस की आग बड़ी ही भयानक थी। पास में खड़े गाड़ियों को हटाया गया और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। घटना मलाड मारवे रोड की।